करीब 900 साल बाद कुतुब मीनार के कुएं में मिला कुछ ऐसा जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए। क्या कुतुब मीनार का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था? क्या कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात कुछ दिनों पहले की है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपने छात्रों को एक इतिहास का सर्वे करने के लिए सबसे पहले लाल किले पर ले जाया गया। वहां पर उन विद्यार्थियों ने इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखी, लेकिन वहां पर कुछ हिंदू परिषद के लोग धरना देकर बैठे थे। उनका कहना था कि इस लाल किले के नीचे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। राहुल नाम के एक लड़के ने अपने प्रिंसिपल से इस बारे में सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने उस समय उस बात को टाल दिया, जिसके बाद विद्यार्थियों की वो टीम कुतुब मीनार पहुंची। राहुल नाम का एक लड़का जो उस टीम का हिस्सा था, जब वो लोग कुतुब मीनार पर पहुंचे तो राहुल ने देखा कि कुतुब मीनार की दीवारों पर तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद थी, और जिस तरह से कुतुब मीनार बना हुआ था वो कलाकृति ऐसी मालूम हो रही थी कि वो सनातन संस्कृति के साथ जुड़ी हो। वहाँ के विद्यार्थियों को उस समय ये बताया गया कि सन 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तभी राहुल ने सवाल करते हुए कहा, अगर इस मीनार का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने करवाया था तो इसकी दीवारों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही हैं? राहुल के सवाल को उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, परंतु राहुल समझ चुका था कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। रात के समय में जब राहुल ने इसके बारे में रिसर्च करी तो उसे पता चला कि ये स्थान पहले विष्णु स्तंभ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के 27 मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त हुई सामग्री से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तभी तो इसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद थी। अगले दिन जब दोबारा राहुल कुतुब मीनार पहुंचा तो उसने पूरे कुतुब मीनार क्षेत्र का आंकलन किया तो वहां पर एक टूटी फूटी मस्जिद भी मौजूद थी, जिसका निचला भाग हिंदू मंदिर के समान लग रहा था। वहां पर अलग अलग क्षेत्र में मलबा भी पड़ा हुआ था, और जब राहुल ने उस मलबे को खंगाल कर देखा तो वहां पर हिंदू धर्म के अवशेष थे। जब वो कुतुब मीनार क्षेत्र के पास में ही लगी एक जगह पर गया तो वहाँ पर एक बहुत ही पौराणिक कुआं दिखाई दिया। उसके मन में एक शंका थी कि अगर 27 मंदिरों को इस स्थान पर ध्वस्त किया गया था तो उसके कुछ अवशेष इस कुएं में भी मौजूद होंगे। वो कुआं पूरी तरह से सूख चुका था। राहुल सीढ़ियों के माध्यम से कुएं के अंदर गया और हाथों के माध्यम से कुएं में खुदाई करने लगा। तभी अचानक से उसके हाथ में हिंदू धर्म से जुड़ी एक टूटी हुई मूर्ति आ गई। ये देखकर राहुल के होश उड़ गए और वो दोबारा खोदने लगा तो वहाँ पर स्वास्तिक और अलग अलग आकृतियों की चीजें मौजूद थी। ये सब देखकर राहुल के भी होश उड़ गए। राहुल समझ चुका था कि सच में ये कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है, जिसका निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। पर राहुल से गलती ये हो गई कि उसने कुतुब मीनार के बाहर काउंटर पर ही अपना मोबाइल फोन जमा करवा दिया था, परंतु वो हर हालत में ये सच दुनिया के सामने लाना चाहता था। जिसके बाद राहुल हिंदी परिषद के साथ जुड़ गया और उन्होंने कुतुब मीनार क्षेत्र में बैठकर बहुत देर तक हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया और न्यायालय में ये याचिका भी लगवाई कि इस कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है और इसका निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। हम चाहते हैं कि इन 27 मंदिरों का पुनः निर्माण हो और कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रख दिया जाए। चूंकि मामला गंभीर था तो कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया और कुतुब मीनार पर जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी उन्हें तुरंत निकालने के आदेश दिए, लेकिन इसका नाम बदलने का आदेश अभी भी नहीं आया है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।